तो सरफेस टेंशन एक प्रॉपर्टी है किसी भी लिक्विड की, बाय वर्च्यू ऑफ विच अ फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। देखो ये फ्री सरफेस क्या होती है, फ्री सरफेस होती है लिक्विड की सरफेस जो एयर की बाउंड्री के साथ लगती है, उसको फ्री सरफेस बोलते हैं। यानी कि लिक्विड की जो टॉप की सरफेस है, जहां लिक्विड खत्म होता है और एयर स्टार्ट होता है, उस सरफेस को फ्री सरफेस बोलते हैं। तो फ्री सरफेस इस चैप्टर में बहुत यूज की जाती है, वर्ड यूज किया जाता है। तो फ्री सरफेस का मतलब है लिक्विड और एयर के इंटरफेस को फ्री सरफेस बोलते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो ये फ्री सरफेस है, वो क्या कह रहे हैं, द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एट रेस्ट। ये इंपॉर्टेंट है, रेस्ट, चलते हुए पानी में सरफेस टेंशन नहीं होती, खड़े पानी में होती है, रेस्ट पे पड़े हुए पानी में होती है या लिक्विड में होती है। रेस्ट पे पड़ा हुआ लिक्विड है तो उसकी सरफेस की बात कर रहे हैं, बिहेव्स लाइक एन इलास्टिक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। तो टॉप की सरफेस कैसे एक्ट करती है, जैसे एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह, इलास्टिक मटेरियल की तरह काम कर रही है, एक रबर की तरह काम कर रही है। एंड हैज टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करती है। उसकी टेंडेंसी क्या है कि मॉलिक्यूल्स को पास 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 ले आए ताकि सरफेस एरिया को मिनिमम कर सके। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सरफेस एरिया को मिनिमम करना। हैज टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड टू ऑक्यूपाई अ मिनिमम सरफेस एरिया। तो अगर कोई लिक्विड ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा शो करता है और अपने एरिया को मिनिमाइज करता है और अपने एरिया को कम करता है, मॉलिक्यूल ज्यादा पास आ जाते हैं फ्री सरफेस पे, नीचे के सरफेस पे नहीं, नीचे के अंदर कोई सरफेस टेंशन होती है, पानी के अंदर कभी सरफेस टेंशन नहीं होती, पानी की सरफेस के ऊपर ही सरफेस टेंशन होती है। क्यों होती है, अभी रीजन भी दूंगा मैं। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन कहां एक्ट करती है, लिक्विड की सरफेस के अंदर नहीं एक्ट करती, फ्री सरफेस पे एक्ट करती है। फ्री सरफेस क्या होती है, फ्री सरफेस है लिक्विड की सरफेस और एयर की सरफेस को क्या बोलते हैं, फ्री सरफेस। अब ये चक्कर क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसको एक बार समझ लेते हैं, आपको पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। अगर मान लो आपके पास एक लिक्विड का कंटेनर है, ये टॉप लिक्विड है, ये लिक्विड का कंटेनर है, इसके अंदर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। इनमें से मान लो ये एक मॉलिक्यूल लेते हैं, इस मॉलिक्यूल को आस पड़ोस के सारे मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन ऐसे अट्रैक्ट करेंगे कि नेट फोर्स इसके ऊपर क्या रहेगा, जीरो। पानी रेस्ट पे पड़ा हुआ है तो हर मॉलिक्यूल पे नेट फोर्स क्या होगी, जीरो, तभी तो रेस्ट पे है, नहीं तो मूव नहीं करेगा, तो इसमें क्या रहेगी, नेट फोर्स जीरो। लेकिन जो मॉलिक्यूल बिल्कुल टॉप सरफेस पे है, उसको पानी का मॉलिक्यूल अपनी तरफ खींचेगा कुछ ऐसे, लेकिन इसके ऊपर क्या एग्जिस्ट करती है, एयर। ये मान लो वाटर है और ये क्या है, एयर, ये फ्री सरफेस है। तो एयर का मॉलिक्यूल इस पानी के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचेगा, पर प्रॉब्लम ये है कि एयर का मॉलिक्यूल पानी के मॉलिक्यूल को उतनी फोर्स से खींच नहीं पाता जितना पानी का मॉलिक्यूल पानी के मॉलिक्यूल को खींच पाता है। तो नेट फोर्स इसके ऊपर कहां एक्ट करेगी, डाउनवर्ड्स। तो अल्टीमेटली ये मॉलिक्यूल फोर्स एक्सपीरियंस कहां करेगा, नेट नीचे। तो थोड़ा सा ये नीचे हो जाएगा, जितने मॉलिक्यूल टॉप के हैं सबके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगेगी। तो नीचे ऑलरेडी मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं पानी के, टॉप के मॉलिक्यूल भी नीचे के मॉलिक्यूल के पास आ गए, तो ऑब्वियसली सरफेस में, ये तो नहीं बोलूंगा सॉलिड बन गई, सॉलिड में मॉलिक्यूल बहुत पास होते हैं, लिक्विड में दूर होते हैं, पर काफी पास आ जाते हैं, कि वो इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। तो ये क्यों हो रहा है, समझ में आ रहा है, ये इस इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह क्यों काम कर रहे हैं, सारी गेम अडहेसिव और कोहेसिव फोर्सेस की है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड लिक्विड की काफी स्ट्रांग है एज कंपेयर टू एयर। तो मॉलिक्यूल टॉप की सरफेस पे इकट्ठे हो जाते हैं, नीचे की तरफ हो जाते हैं, टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, पास पास आ जाते हैं, क्योंकि नीचे के पानी की मॉलिक्यूल टॉप की सरफेस के पानी के मॉलिक्यूल को खींच पाते हैं, एयर नहीं खींच पाती या ज्यादा फोर्स से नहीं खींच पाती, तो सरफेस कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। इस प्रॉपर्टी को सरफेस टेंशन बोलते हैं। क्लियर है यहां तक? अब सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या होती है, इमेजिन करो। और एक और चीज, सरफेस टेंशन की ये जो फोर्स है, या सरफेस टेंशन में मॉलिक्यूल नीचे जा रहे हैं, ये मैं हमेशा टॉप की सरफेस पे क्यों ले रहा हूं, क्योंकि जो अंदर के मॉलिक्यूल हैं उनके ऊपर नेट फोर्स हमेशा क्या रहती है, जीरो, क्योंकि वो एयर के कांटेक्ट में है ही नहीं। इसलिए सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी फ्री सरफेस पे लगेगी, लिक्विड के अंदर नहीं लगेगी। क्लियर है यहां तक? तो अगर मैं एक टॉप की सरफेस लूं, टॉप की सरफेस पे कुछ मॉलिक्यूल लूं,
अब कुछ मॉलिक्यूल में कितने मॉलिक्यूल लूं, तो चलो एक काम करते हैं कि इमेजिनरी लाइन खींच लो, ए बी लाइन, कोई स्टिक नहीं है, कुछ नहीं है, एक लाइन है। इस लाइन के इधर और इधर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, तो इमेजिन करो एक लाइन खींच लेते हैं, कुछ मॉलिक्यूल इधर कुछ इधर, तो ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल अपनी तरफ खींच रहा है और ये वाला इसे अपनी तरफ खींच रहा है, तो देख रहे हो एरो दोनों तरफ है, तो मॉलिक्यूल एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब अगर मैं ये कहूं कि इस मॉलिक्यूल ने इस मॉलिक्यूल को खींचा बाय फोर्स ऑफ एफ डैश एफ डैश एफ डैश एफ डैश एफ डैश, तो सभी मॉलिक्यूल की नेट फोर्स क्या होगी, सारे फोर्सेस को ऐड कर देंगे तो नेट फोर्स आ जाएगी। तो टोटल फोर्स ये सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे पे क्या लगा रहे हैं, मैं ये कैलकुलेट करना चाहता हूं। अब देखने वाली बात है कि अगर एक मॉलिक्यूल होता सिर्फ, ओनली वन मॉलिक्यूल, तो ये फोर्स कम आती, और लाइन अगर छोटी होती तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल छोटे होंगे जिनके ऊपर मैं ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, तो फोर्स कम आएगी। लेकिन अगर मैं लाइन लंबी खींच दूंगा तो यानी कि मैंने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कंसिडर किया, तो मेरी फोर्स ज्यादा आएगी। इसका मतलब ये जो फोर्स है, क्या मैं ये बोल सकता हूं ये फोर्स किस पे डिपेंडेंट है, लेंथ पे डिपेंडेंट है, क्योंकि लेंथ ज्यादा होगी तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्सपेरिमेंट के अंदर ज्यादा आएंगे। तो फोर्स डिपेंडेंट अपॉन क्या, लेंथ ऑफ दी, जो भी आपने लेंथ ली है जहां पर मॉलिक्यूल लिए उसके प्रोपोर्शनल है। और साथ में एक कांस्टेंट लगेगा, उस कांस्टेंट का नाम है सिग्मा। सिग्मा को बोलते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट होती है। अगर ये पानी है तो सिग्मा डिफरेंट होगा, ऑयल है तो डिफरेंट होगा, एक्स मटीरियल है तो डिफरेंट होगा। क्योंकि आप देखो ना, अगर आपने लिक्विड चेंज किया लेकिन लेंथ चेंज नहीं की, तो हर लिक्विड लिक्विड की फोर्स डिफरेंट होती है। अगर आप वाटर लेंगे तो फोर्स डिफरेंट आएगी इन मॉलिक्यूल्स की, आप ऑयल लेंगे फोर्स डिफरेंट आएगी। इसलिए आपको एक चीज कंसिडर करनी पड़ेगी, और वो क्या है, मटीरियल ऑफ द मॉलिक्यूल किसका बना हुआ है, या किस लिक्विड का मॉलिक्यूल है, जिसके लिए हमने क्या डिफाइन किया, सरफेस टेंशन। इसीलिए हर लिक्विड की सरफेस टेंशन डिफरेंट होती है, ठीक। तो सिग्मा डिफरेंट होता है, क्वेश्चन में गिवन होता है। तो सिग्मा का डेफिनेशन क्या बना, फोर्स अपॉन लेंथ। तो हमने यूनिट्स एंड डायमेंशन के अंदर भी पढ़ा था, फोर्स अपॉन लेंथ, और इसके यूनिट्स क्या बनेंगे, न्यूटन पर मीटर। तो प्लीज पहला फॉर्मूला नोट करो, सिग्मा इज इक्वल टू एफ बाई एल, ये पहला फॉर्मूला है ऑफ सरफेस टेंशन, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सिग्मा इज इक्वल टू एफ अपॉन एल।